बढ़ारा कोठी का मोहजमपट्टी गांव निवासी कुख्यात बूचन यादव पर सरस्वती पूजा के दरमियान घात लगाए अपराधियों ने बम एवं गोलियों से ताबड़तोड़ हमला कर क्षेत्र को एक बार फिर से दहला दिया है। इस घटना में बूचन यादव एवं उनके कुछ साथी जख्मी हुए हैं, जबकि उनकी गाड़ियों की परखच्चे उड़ा दिए गए हैं। इस घटना में स्थानीय एक महिला रानी देवी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है, जबकि बूचन यादव गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं, जिनका उपचार सिलीगुड़ी में किया जा रहा है। इस घटना के पीछे किन लोगों का हाथ है यह खुलकर सामने नहीं आया है, किंतु अंदेशा लगाया जा रहा है कि यह आपसी रंजिश का नतीजा है और वर्चस्व की लड़ाई को लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया है। मामले की तफ्तीश में पुलिस अधीक्षक समेत तमाम वरीय अधिकारी जुड़े हुए हैं। इस संदर्भ में पुलिस की ओर से तत्काल किसी तरह का बयान नहीं दिया गया है। गौरतलब है कि कुछ ही दिन पूर्व भूषण यादव ने कांग्रेस की सदस्यता पूर्णिया में ग्रहण की थी, जिसके बाद भूषण यादव की राजनीतिक भूमिका को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही थी, किंतु कुछ ही दिन बाद भूषण यादव पर हुए हमले की घटना से लोग तरह तरह के अंदेशा लगा रहे हैं। हालांकि इस घटना को लेकर इलाके में एक मरतबा फिर से जबरदस्त दहशत का माहौल बन गया है।